अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां कलेक्ट्रेट में नशा मुक्ति को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित हुई। कार्यशाला में मध्य प्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सदस्य राज्य तंबाकू नियंत्रण कमेटी के मुकेश सिन्हा उपस्थित रहे। उक्त कार्यशाला में सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एवं अन्य प्रकार के नशा एवं उससे होने वाली हानियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कार्यशाला के कुछ अंश। आसपास के प्रदर्शन में समान रूप से किस तरह से हम देख रहे हैं, युवा तेजी से नशे के चपेट में आ रहे हैं और उसका अगला चरण नेचुरल कॉन्सिक्वेंस के रूप में अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाना है। क्योंकि नेचुरली कोई व्यक्ति अगर फॉरेस्ट से गांजे का नशा करेगा तो उसकी माँ उससे सकारात्मक कार्य की अपेक्षा करना बेमानी साबित होगा, और नशा करने के दौरान नशे की लत पड़ जाने के दौरान वो बहुत सामान्य बात है कि घर से कभी पॉकेट मनी के रूप में नहीं भूल सकता कि मुझे फॉरेक्स पीने के लिए या गांजा पीने के लिए पैसे चाहिए। कोई पेरेंट्स नहीं देगा, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस क्रम में वो कहीं ना कहीं ऐसे साथियों की संगत में आएगा और ऐसे लोगों की संगत में आएगा जो उसको प्रोत्साहित करेंगे या स्वयं तो उसकी ज़रूरतें हैं उसको चोरी लूट इन चीज़ों की तरफ प्रेरित कर देगी, जिससे उसके नशे की लत की पूर्ति होती है। ये बहुत सिंपल अवधारणा है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हमारे जो वर्तमान में घटना का मूल्यांकन कर रहे हैं रीवा में, जो भी घटनाएं हो रही है 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की संख्या काफ़ी मात्रा में देखी जा रही है, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो लोग केवल ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हों जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई हो, अपितु वे शहर के वो बच्चे हैं जो जिनका जन्म रीवा मुख्यालय में हुआ है और जिनका लालन पालन रीवा मुख्यालय में हुआ है और जिनको भी 15-16 साल की उम्र से लगातार रीवा में ही रह रहे हैं और सबके मदर फादर वेल टू डू हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है तो वो उनको ध्यान नहीं दे पा रहे रिसोर्सेज की कमी के चलते। मेन बात केवल कहीं ना कहीं सोसाइटी में इसके लिए जागरूकता चेतना इसकी आवश्यकता है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।